हाय, मेरा नाम शिवम है। मेरी एज 26 ईयर है। सो आई एम वर्किंग इन अगाम कैपिटल इन गुड़गांव। जो हमने खरीदी है वो फियरलेस प्लस हैरियर है, डुअल टून। और हैरियर क्यों चूज़ करी, उसका रीज़न है कि सेफ्टी के मामले में सबसे बढ़िया है और स्टाइल, फीचर्स, ये सब देख के हमें गाड़ी बहुत पसंद आई। सो वी वेंट टू ऑटो विकास वजीरपुर। जब हम स्टाफ से मिले सो दे एक्सप्लेन अस ऑल द फीचर्स, सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। देन वी टुक आर फर्स्ट टेस्ट ड्राइव ऑफ टाटा हैरियर। सो अंदर जब बैठे तो मतलब मज़ा ही आ गया देख के। इंटीरियर्स तो क्या कमाल इंटीरियर्स थे। सो बाहर से जब ये गाड़ी देखी मैंने तो इसका मतलब लुक वाइज, स्टाइल वाइज मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मेरे को कुछ ऐसा ही स्टाइल वाली गाड़ी चाहिए थी ताकि कुछ अलग लगे लाइफ में। और मतलब इसकी स्टाइल और लुक देखे तो अभी भी मतलब जब भी गाड़ी रोड पर चलती है तो लोग मुड़ के देखते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। सो आगे DRLs हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी कनेक्टेड है। फिर पीछे टेल लैंप है, वो भी पूरा कनेक्टेड है। और इसके प्रोजेक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी लाइट थ्रो करते हैं, मतलब अच्छी लुक देता है गाड़ी में। सो वो मेरे को पसंद है। और इसके एरोडायनेमिक्स भी बहुत अच्छे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। सो गाड़ी में 18 इंचज़ के लॉयस हैं तो इसलिए इसका स्टांस थोड़ा ऊपर है और गाड़ी चलाने में फिर इसका पूरा फ़ायदा मिलता है। ओवरऑल गाड़ी को एक पूरा अच्छा लुक मिल जाता है। सिर्फ एक्सटीरियर ही नहीं, इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। हर जगह एक प्रीमियम क्वालिटी का स्टफ़ यूज़ किया हुआ है। सीट्स, इसकी लेदर सीट बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो ड्राइविंग सीट इतनी कंफर्टेबल बनाई है कि मतलब लॉन्ग जर्नी में पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी रेस्टलेसनेस फील नहीं होती। सो गाड़ी का कैबिन जो है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब इसके अगर सारे दरवाजे बंद कर दो, शीशे बंद कर दो, तो आवाज़ बाहर की बिल्कुल नेग्लिजिबल आती है। टाटा की गाड़ी सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर है। और ये ग्लोबल NCAP 5 की रेटिंग मिली हुई है टाटा की गाड़ी को। तो गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग्स हैं। फिर इसके अंदर ADAS-K 2.0 के फीचर्स हैं, जिसके अंदर हमारा लेन चेंज असिस्ट है, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि आज के डेट में इतने ट्रैफिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी में जो मुझे सबसे बढ़िया फीचर लगता है वो इसका 360 सराउंड व्यू, जो कि प्रैक्टिकली सेफ्टी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे मुझे सारा व्यू मिल जाता है। मतलब आप पतली सी गली में जा रहे हो, कभी कोई रिक्शा वाला आ रहा है, कोई स्कूटी वाला आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी गाड़ी देख के चलाओ उस केस में, तो वो सारा व्यू दे देता है आपको। सो ये एक एडिशनल फीचर है जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट भी है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप कोई भी लंबी ड्राइव पे हैं या कहीं भी, अगर उनको लगा कि ड्राइवर डोज ऑफ हो रहा है, तो वो एक अलर्ट दे देता है कि टेक अ ब्रेक या चेंज द ड्राइवर। अब गाड़ी के अंदर इतने सेफ्टी फीचर्स हैं, मतलब एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है अगर आप ये गाड़ी चला रहे हो तो। आप मतलब आपकी ड्राइव इतनी रिलैक्सिंग हो जाती है इतने सेफ्टी फीचर्स के साथ। तो हमारे लिए एक एडिशनल पॉइंट था कंसिडर करने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट भी था हमारे लिए। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, टाटा हैरियर ही कंसिडर करेंगे हम। सो गाड़ी की अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे लिए तो 10/10 है। गाड़ी का इंजन बहुत पावरफुल है, जैसे ही एक्सीलेटर पे पैर रखोगे गाड़ी एकदम भागती है रॉकेट की तरह। इतनी भारी गाड़ी होते हुए भी मतलब इंजन जो है वो पूरा सपोर्ट देता है, चाहे हाईवे पे चलाओ चाहे सिटी पे चलाओ। इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लगा मुझे। और गाड़ी के अंदर बीच वेल्ड टेरेन मोड सेलेक्टर है, सो आप उसके अंदर अपना डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आप वेट मोड है या टेरेन मोड है, जिस हिसाब से आपकी रोड है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दे रखे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। एंड जो इसका विजुअल मोड सेलेक्टर है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, उसकी फिनिश बहुत प्यारी है, वो बहुत एलीट लगता है। गाड़ी की फीचर्स की बात करें अगर, तो गाड़ी में मतलब इट्स लोडेड विद फीचर्स। सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे इसका लगा वो है इसका वेलकमिंग फीचर बाय द ड्राइविंग सीट। मतलब आप गेट खोलोगे गाड़ी का, मतलब ड्राइविंग सीट नीचे हो जाएगा, आप बैठोगे फिर उसके बाद वो ऊपर हो जाएगा। लाइक इट्स अ ग्रेट जेस्टर फ्रॉम द कार की वो आपको रिस्पेक्टफुली बिठा रही है। फिर उसके बाद इसके और फीचर्स हैं, जैसे एम्बिएंट लाइटिंग है और 360 डिग्री कैमरा है, एंड एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कार प्ले है वायरलेस। सो वो एक एडिशनल फीचर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके डे टू डे ड्राइविंग में। तो इसमें नया और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि बढ़िया प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। सो गाड़ी के अंदर एलेक्सा वॉइस कमांड भी है, मतलब अगर सनरूफ खोलनी है जैसे मुझे और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं बस बोलूँगा ओपन सनरूफ एंड सनरूफ खुल जाती है, सो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड। जब आप कहीं से आ रहे हो, आपके हाथ में सामान है, आपके दोनों हाथ फुल हैं, सो इसके अंदर एक जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट है, आपने बस नीचे पैर से वेव करना है एंड द पावर टेलगेट विल ओपन अप, सो दैट इज़ ऑल्सो नाइस। गाड़ी के अंदर 10 JBL के स्पीकर्स हैं और इसका म्यूजिक सिस्टम बाय हरमन है। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मोड्स भी हैं म्यूज़िक के बाय JBL। मेरी गाड़ी की फ़र्स्ट सर्विस हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस के टाइम पे टाटा वालों का फ़ोन आ गया था, देवर फॉलोइंग अप कि आपकी सर्विस ड्यू है। फर्स्ट सर्विस के बाद मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा डिफरेंस फील हुआ इंजन के अंदर। द परफॉर्मेंस वॉज बेटर आफ्टर द फर्स्ट सर्विस, एंड ऑल्सो द स्टाफ वॉज क्वाइट कोऑपरेटिव एंड नॉलेजेबल एट द टाइम ऑफ सर्विस। मतलब मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स, कि ये गाड़ी बेस्ट है, लेनी चाहिए।